लड़ना हमें है इसलिए कि हक हमारा मिल सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक और विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह हमारी सरकार को क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन कहावत है तो सीहन की लहरे नहीं, सीहन की लहरे नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं गोलियां, साधु न चले जमात। तो मित्रों आप यह समझ रहे हैं कि हमारी टीम जो है, हमारी पूरी छोटी है, उसे हतोत्साहित नहीं होना है। देश की आजादी के लिए खुद्दीराम बोस, सरदार भगत सिंह, लाल गुरु, ये आजादी तो नहीं देखा लेकिन आज आजादी की लड़ाई लड़ी, फांसी पर लटक गए और आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन देश आपका आजाद हुआ। तो आपकी लड़ाई सही है और आप अपनी लड़ाई के लिए तो लड़ रहे हैं। मैं बराबर कहूंगा कि लड़ना हमें है इसलिए, लड़ना हमें है इसलिए कि हक हमारा मिल सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक और विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सबके धरना पर पहले शामिल हो जाऊं तो हम कहना चाहते हैं आप सभी आंदोलन इंकलाबी साथियों से कि आप भारत में जन्म हो, भारत का संविधान लागू हुए 1950 साल 72 साल हो गया, आजादी के 75 में अमृत महोत्सव मना रहा है देश। वैसे काल में हम आज आंदोलन पर हैं अपनी जायज मांगों के लिए, लेकिन ये बाहरी सरकार और ये नरेंद्र मोदी का बाहरा प्रशासन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उस मंच से, मैं इस मरण नाश कर देगा, आने वाला दिन हमारा साथ इनकलाबी साथियों का होगा। आपका जो खेल चल रहा है, हमारे क्षेत्र के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, वह हर हर में आपको बैक टू पार्लियामेंट होना होगा। हम जीतेंगे आप हारेंगे, हम जीतेंगे आप हारेंगे। भारत का संविधान कहता है, भारत का संविधान का प्रस्तावना में स्पष्ट है, वो सबको याद जानते हैं। वो प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निपेश लोक पंथ निपेश समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अतिशा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली मजबूता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अब आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी सितंबर 2006 विक्रमी को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम छात्र जो इंकलाबी साथी है, हम संविधान भूल नहीं गए, हमारा जो उसमें नहीं अधिकार है, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने दम तक लड़ेंगे। और हम जब तक दम में दम है, हम इस प्रशासन को और मेरे स्थिति के राज्य प्रशासन को हम सबको शिथिल कर देंगे और हर हर में हम जीतेंगे। हमारा कहना है इस मंच से आप सभी साथियों से मैं कहना कि रामधारी सिंह जिनका किस पंक्ति को आप याद करें जिसमें उन्होंने कहा था कि शीनता है स्वतः कोई, स्वतः कहते हैं अधिकार को, शीनता है स्वतः कोई और तू चार तब से काम ले रहा पाप है पुण्य है छीन कर दे रहा उसे, हर हर तेरी तरफ जो हाथ है तो आपके हाथ
अधिकार के लिए जिसने हाथ उठाए रहा है उसके हाथ को काट डाले, हाथ को काट डाले, हाथ को काट डालो। यह हमारा रामधारी सिंह जिंदे जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका कहना था। तो हम अपने जान मारे के लिए हमारे सत्रह दिनों से आंदोलन रत है। बंधुओं मित्रों, अब सभी जानते हैं कि महाभारत महाभारत 18 दिनों में समाप्त हो गया। धन मिलेगा, आपकी मांग मिलेगा, आपका मांग मिलेगा। और हम इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ अभी साथियों से, सभी युवा क्रांतिकारी इनकलाबी साथियों से, कि जिस राष्ट्र प्राप्त चले हैं आप बगल में फोटो लगा रखे हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर का, बगल में फोटो जयप्रकाश नारायण जी का, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और यह भी वर्तमान बिहार का मुख्यमंत्री इसी संपूर्ण क्रांति का पद है, लेकिन आज वो बारा गुंडा है और काफूस हो गया है। वो सिर्फ कुर्सी के लिए, वो सिर्फ कुर्सी के लिए जी रहा है। अब उनके पास क्रांति नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उसमें क्रांति कायता होती तो आज हम छात्रों का जो 17 दिन से आंदोलन कर रहा है उनको स्वाया करके आंदोलन को पुरवाना चाहिए था। अघोषणा करना चाहिए था इस नगर विश्वविद्यालय में आकर के इस मुख्यमंत्री को कि इनकी मांग दायर है और इनकी मांग दायर पूरा किया जाए और जो सरकार से जो आवश्यकता उसको पूरा करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम निश्चित रूप से आप लोगों से कहेंगे कि आप जीवन के साक्षी हैं, इंकलाब के साक्षी हैं। आप लगातार और लगातार सुनो एनएसटीडी फिर धीरे 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 परंतु लगातार जिनकी लड़ाई चलती है वह हर हाल में अपना जीत अपना होती है उनकी। इसलिए आप तो हतोत्साह नहीं होना है। और कहा गया है, सचिव ने कहा है कि सबसे बड़ा दिवालिया वह है, सबसे बड़ा दिवालिया वह है जो अपना मनोबल खो दिया। तो आप क्रांतिकारी युवा साथियों को मेरा कहना है कि आपको मनोबल डाउन नहीं करना है, मनोबल को ऊंचा रखना है। और जिस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आप अग्रसर है, आप हमेशा उत्तर अग्रसर रहे। और मैं मानता हूँ या मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से आप कल हर हाल में आपका घोषणा होगा और ये विश्वविद्यालय प्रशासन आपके सामने झुकेगा, आपके सामने झुकेगा और आपकी मांग मिलेगा। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। इन्हीं दर्शकों के साथ मैं अपने वाणी को गाने लगा हूँ। जय जय।